नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार के दिन है। द्वादशी तिथि शाम 7:08 तक रहेगी। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दिवाली के त्योहारों की भी शुरुआत है। दिवाली उत्सव के पहले दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार 25 अक्टूबर को है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनतेरस के दिन की संपूर्ण पूजा विधि। धनतेरस तिथि शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम 7:08 से रात 8:14 तक। प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक। वृषभ काल शाम 6:50 से रात 8:45 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ सुबह 7:08 से। त्रयोदशी तिथि समाप्त 26 अक्टूबर को दोपहर 3:57 तक। ऐसे करें धनतेरस के दिन पूजा। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठें और अपने सभी नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। आप रोज की तरह ही पूजा करें। इसके बाद धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल में स्थापित करें। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहे हो तो आपका मुख पूर्व की तरफ पड़े। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर धन्वंतरी का आवाहन करें। सत्यम चयेन निरतम रोगम विदुतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणमामि नित्यम। इसके बाद भगवान को गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि लगाएं। साथ ही चांदी या फिर किसी भी तरह के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। भोग के बाद आचमन करें, फिर उनके मुख की शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी आदि चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को वस्त्र अर्पित करें, साथ ही शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। इसके बाद रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को दक्षिणा और श्रीफल चढ़ाएं और सबसे बाद में भगवान की कपूर से आरती करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।